नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट धनंजय कुमार द्विवेदी एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ IPC की धारा, इंडियन पेनल कोड IPC की धारा 300 से लेकर के 331 तक, मतलब कि इस वीडियो में 31 धाराओं का नॉलेज एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आप लोग उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये जितनी भी धाराएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, जो लोग AIBE का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ज़रूर इसको देखें, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चन AIBE के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, और जो लोग नहीं देने वाले हैं उनके लिए भी, मतलब कुल मिलाकर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए सीधे वीडियो की ओर। IPC की धारा 300 का मतलब होता है हत्या। IPC की धारा 301, जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था उसके अलावा अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करके गैर इरादतन मानववध। IPC की धारा 302, हत्या के लिए सजा। IPC की धारा 303, आजीवन अपराधी द्वारा हत्या के लिए सजा। IPC की धारा 304, गैर इरादतन हत्या के लिए सजा, जो हत्या की कोर्ट में नहीं है। IPC की धारा 304A, लापरवाही से मौत का कारण। IPC की धारा 304B, दहेज के लिए हत्या। IPC की धारा 305, बच्चे या पागल व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। IPC की धारा 306, आत्महत्या के लिए उकसाना। IPC की धारा 307, हत्या का प्रयास करना। IPC की धारा 308, गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास। IPC की धारा 309, आत्महत्या करने का प्रयास। IPC की धारा 310 का मतलब होता है ठगी करना। IPC की धारा 311 का मतलब सजा से है। IPC की धारा 312, गर्भपात कारित करना। IPC की धारा 313, महिला के सहमति के बिना गर्भपात करना। IPC की धारा 314, गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य के कारण मृत्यु। IPC की धारा 315 का मतलब होता है बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने पर या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित करने के इरादे से किया गया कार्य। अगर ऐसा कार्य करते हैं तो इसमें IPC की धारा 315 का प्रयोग होगा। IPC की धारा 316, गैर इरादतन मानववध की कोर्ट में कार्य द्वारा त्वरित अजन्मे बच्चे की मृत्यु कारित करना। IPC की धारा 317, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का एक्सपोजर और परित्याग माता पिता या इसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा। IPC की धारा 318, मृत शरीर के गुप्त निपटान द्वारा जन्म छिपाना। IPC की धारा 319, आहत करना। IPC की धारा 320, गंभीर चोट से है। IPC की धारा 321, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। IPC की धारा 322, स्वेच्छा से घोर उपाहित कारित करना। IPC की धारा 323, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दंड से है। IPC की धारा 324, खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। IPC की धारा 325, स्वेच्छा से घोर उपहित कारित करने के लिए दंड। IPC की धारा 326, खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। IPC की धारा 326 से तेजाब आदि के प्रयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। एक IPC की धारा 326 भी तेजाब आदि प्रयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। IPC की धारा 327, संपत्ति की जबरन वसूली के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या किसी अवैध कार्य के लिए विवश करना। IPC की धारा 328,
करने के अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना, आईपीसी की धारा 329 संपत्ति की जबरन वसूली के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना या किसी अवैध कार्य के लिए विवश करना, आईपीसी की धारा 330 स्वीकारोक्ति को जबरन वसूली के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या संपत्ति की बहाली के लिए मजबूर करना, आईपीसी की धारा 331 स्वीकारोक्ति के लिए जबरन वसूली के लिए संपत्ति की बहाली के लिए मजबूर करने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।